हेलो एवरीवन वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल दिस इज विकास कुमार ऑन माय यूट्यूब प्लेटफॉर्म एग्रीवर्स एजुकेशन फ्रेंड्स ये है हमारा मॉक टेस्ट नंबर 20 ऑफ जनरल एग्री मॉक टेस्ट सीरीज इसमें हम टोटल 50 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे क्योंकि एक स्पेशल वीडियो है हमने अपनी टेंथ जो हमारा मॉक टेस्ट था इसमें भी हमने फिफ्टी क्वेश्चन को डिस्कस किया था और आज का जो मॉक टेस्ट है ये ट्वेंटी नंबर का है और इसमें हम 50 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो बहुत ही क्वालिटी क्वेश्चंस हैं और अधिकतर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं हर क्वेश्चन ध्यान से देखना क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से द रेट ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इन सॉइल इज मोर रैपिड वेन द सॉल इज यहां पर कहा गया है कि जो ऑर्गेनिक मैटर का डिकम्पोजिशन होता है वो सॉइल में कौन सी कंडीशन में सबसे ज्यादा होगा ऑप्शन आर सेचुरेटेड वेल ड्रेन्ड और एक्सेसिवली ड्रेन्ड या समझ कंडीशन तो यहां पर इसका राइट right आंसर होगा ऑप्शन बी वेल ड्रेन सो इन कंडीशन व्हेन द सॉइल इज वेल ड्रेन्ड द रेट ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर विल बी मोर रैपिड ये क्यों होगा देखो वेल ड्रेंड सॉइल होगी तो जो मॉइस्चर कंटेंट होगा वो भी ऑप्टिमम होगा जितनी मॉइस्चर की रिक्वायरमेंट होगी आपको पता होगा डिकम्पोजिशन कौन करता है बैक्टीरिया करता है उसको क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है पीएच की रिक्वायरमेंट टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट और प्रॉपर एयरेशन की रिक्वायरमेंट अब यहाँ पर वेल वेल्ड्रेन सॉइल होगी तो वहां पर एयरेशन अच्छा होगा और प्रॉपर मॉइस्चर उसको मिलेगा अगला क्वेश्चन कुफरी रेड पोटैटो इज अ क्लोनल सिलेक्शन फ्रॉम विच वैरायटी कौन सी वैरायटी से क्लोनल सिलेक्शन करके ये वैरायटी बनाई गई है राइट आंसर इज ऑप्शन ए डार्कनिंग रेड राउन सो कुफरी रेड पोटैटो इज अ क्लोनल सिलेक्शन फ्रॉम डार्कनिंग रेड राउंड इसके अलावा कुफरी सफेद एक वैरायटी है इट इज द क्लोनल सिलेक्शन फ्रॉम फुलवा वैरायटी एक वैरायटी है फुलवा इससे क्लोनल सिलेक्शन करके कुफरी सफेद वैरायटी बनाई गई है अगला क्वेश्चन अमंग ड्रॉट अवॉइडेंस मैकेनिज्म विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वाटर सेवर मैकेनिज्म इनमें से कौन सा नहीं है यह आपको बताना है अर्ली स्टोमेटल क्लोजिंग स्टोमेटा बंद कर देंगे ये सही है रिड्यूस्ड लीफ एरिया ये भी सही है लिपिड डिपोजिशन ऑफ फोलियर यह भी सही है और लास्ट क्या है हाई रूट टू टॉप रेशो तो ये इसमें यहाँ पर गलत हो जाएगा देखिए ये तो अक्सर होता है जब ड्रॉट कंडीशन आती है तो हाई रूट और टॉप रेशो ये बन जाता है बट यहां पर क्या बात हो रही है मैकेनिज्म की बात हो रही है तो मैकेनिज्म के, के केस में हाई रूट एंड टॉप तो रेशो ये यह यहाँ पर गलत होगा अगला क्वेश्चन लॉ ऑफ सेग्रीगेशन इज ऑल्सो कॉल्ड एज लॉ ऑफ सेग्रीगेशन का दूसरा नाम है वो आपको बताना है राइट आंसर इज ऑप्शन सी लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स सो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन इज ऑल्सो नोन एज लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स फिफ्थ क्वेश्चन इज द फादर ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग जेनेटिक इंजीनियरिंग के पिता किसको कहा जाता है राइट आंसर इज ऑप्शन डी पॉल बर्ग सो पॉल बर्ग इज नोड एज द फादर ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग क्वेश्चन कैंकर नोड्यूल आर फाउंड मोस्टली इन कौन सी टाइप के सॉइल में कैंकर नोड्यूल्स अधिकतर पाए जाते हैं ब्लैक सॉइल है कैलकेरियस सॉइल है रेड सॉइल है या लेट्रेटिक सॉइल है राइट आंसर इज ऑप्शन सी रेड सॉइल कैंकर नोड्यूल आर फाउंड मोस्टली इन रेड सॉइल अगला क्वेश्चन वट डज आर स्टैंड फॉर इन गोबर धन योजना

एंड इट वॉज लॉन्च इन टू थाउजेंड एटीन दो हज़ार अठारह में इसको शुरू किया गया था अगला क्वेश्चन है जर्मिनेशन ऑफ सीड वाइल इट इज स्टिल रिमेन अटैच विद द पेरेंट सोर्स इज नोन एज यहां पर क्या बात हो रही है मान लीजिए कोई फ्रूट है फ्रूट के जो सीड हैं वो सीड वहीं जर्मिनेट कर जा रहे हैं फ्रूट के अंदर ही तो इस कंडीशन को क्या कहा जाएगा इस कंडीशन को कहा जाता है वी वी परी ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर जैसे स्ट्रॉबेरी के केस में क्या होता है स्ट्रॉबेरी में जो जिसके सीड्स होते हैं ये क्या कर जाते हैं जर्मिनेट कर जाते हैं तो इस कंडीशन को कहा जाता है वी वी परी अगला क्वेश्चन गैलियोनिला इज एन एग्जाम्पल ऑफ ये एक बैक्टीरिया है गैलियोनी ये किस टाइप का बैक्टीरिया होता है सल्फर ऑक्सीडाइजर होता है आयरन ऑक्सीडाइजर हाइड्रोजन ऑक्सीडाइजर या ऑल ऑफ द अबाव राइट आंसर इज ऑप्शन बी आयरन ऑक्सीडाइजर सो गैलियोनी इज एन एग्जाम्पल ऑफ आयरन ऑक्सीडाइजर अगला क्वेश्चन है कैपीचुलम और हेड इज अ करेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ विच फैमिली कौन सी फैमिली के प्लांट में उसके इन्फ्लोरसेंस को कैपीचुलम कहा जाता है राइट आंसर इज ऑप्शन ए कंपोजिटिव फैमिली जैसे आपका सनफ्लावर है उसके हेड को कहा जाता है कैपीचुलम अगला क्वेश्चन है आपका कॉटन से रिलेटेड या बोल रहे हम फाइबर से रिलेटेड फाइबर थिकनेस इज मेजर्ड बाय फाइबर की थिकनेस किससे मेजर करी जाती है राइट आंसर इज ऑप्शन बी नेपी इसके अलावा कुछ और भी टूल्स हैं जैसे आपकी फाइबर मेच्योरिटी है इसको मेजर किया जाता है एरिलोमीटर से और स्पिनिंग परफॉर्मेंस इसको मेजर किया जाता है नंबर ऑफ काउंट्स स्टेपल लेंथ एंड फाइबर लेंथ ऑफ कॉटन इज मेजर्ड बाय हेलो मेजरमेंट मेथड और एक और यहां पर स्ट्रेंथ की बात करी गई कि स्ट्रेंथ को किससे मेजर किया जाता है प्रेसले स्ट्रेंथ टेस्टर या इसको बोला जाता है स्टिलोमीटर तो ये सारे आपको याद होने चाहिए अगला क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग इकोनॉमिक थ्योरी इज नॉट करेक्टली मैच इनमें से कौन सी इकोनॉमिक थ्योरी करेक्टली मैच नहीं है यहाँ पर दे रखा है जैसे आपको थ्योरी ऑफ प्रॉफिट ए वॉकर ये सही है पॉपुलेशन थ्योरी इट वॉज गिवन बाई माल्थस ये भी सही है थ्योरी ऑफ इन्फ्लेशन ए पी लर्नर ये भी सही है बट यहाँ पर जो ऑप्शन डी है मॉडर्न थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पर दे रखा है एडम स्मिथ जो कि गलत है इट वॉज गिवन बाई हिक्स हैंसन सो मॉडर्न थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट वॉज गिवन बाई हिक्स हैंसन नॉट बाई एडम स्मिथ अगला क्वेश्चन है द नेशनल सेंटर फॉर एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स एंड पॉलिसी रिसर्च एन आई ए पी ये एन आई ए पी कहाँ लोकेटेड है यह आपको बताना है कहाँ लोकेटेड है न्यू दिल्ली में सो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर फोर्टीन क्वेश्चन द रेंज विद इन विच द ट्रू पॉपुलेशन मीन्स लाइज इज कॉल्ड यहां पर लिमिट्स दे रखी हैं आपको बताना है कि कौन सी रेंज के बीच में जो ट्रू पॉपुलेशन मीन होता है ये लाई करता है ऑप्शन है आपका कॉन्फिडेंस लिमिट या फिर लिमिट एंड बोथ ए एंड बी या नन ऑफ दिस राइट आंसर इज ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी सो द ट्रू पॉपुलेशन मीन रेंज इज बिटवीन कॉन्फिडेंस लिमिट एंड फिर लिमिट फिफ्टीन क्वेश्चन मिल्क इज द पुअर सोर्स ऑफ मिल्क में कौन सी चीज नहीं पाई जाती है ये पुअर सोर्स है इस न्यूट्रिएंट का आपको बताना है देखो आयरन देखो आयरन भी नहीं होता मिल्क में और विटामिन सी भी नहीं होता यानी कि बोथ ए एंड बी बहुत ही कम मात्रा में होता है सिक्सटीन क्वेश्चन सिकल सेव्ड हॉर्न इज अ करेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ विच बफेलो ब्रीड ब्रीड बतानी है कौन सी ब्रीड में है ये सुरती ब्रीड में सिकल सेब्ड हॉर्न इज अ करेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ सुर्ती ब्रीड। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग क्राइटेरिया ऑफ इरीगेशन शेड्यूलिंग इज मोर एक्सेप्टेबल टू फार्मर फार्मर के केस में कौन सी सबसे ज्यादा एक्सेप्टेबल है जो सबसे सिंपलेस्ट मैथड है वो बतानी है वैसे तो आपकी होती है फील मैथड फील मैथड जिसमें मिट्टी को लिया जाता है हाथ में और उसका देखा जाता है कि कितना मॉइस्चर है उसमें उसके अकॉर्डिंग ही इरीगेशन को शेड्यूल किया जाता है पर यहाँ पर ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसका अप्रोप्रिएट आंसर होगा क्रिटिकल ग्रोथ स्टेजेस जो क्रॉप की स्टेजेस होती हैं जैसे वीट के में क्या है सी आर आई क्राउन रूट इनिशिएशन ये है आपकी क्रिटिकल स्टेज इस स्टेज पर इरिगेशन करी जाती है तो फार्मर्स के केस में क्रिटिकल ग्रोथ स्टेजेस ये एक एक्सेप्टेबल क्राइटेरिया है अगला क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग सेल पार्ट इज डिस्क्राइब्ड एज फ्लूड मोजेक किसको ऑप्शन सी सेल मेम्ब्रेन क्वेश्चन नंबर नाइनटीन द प्रेजेंस ऑफ विच वीट इन टी इम्पेयर द क्वालिटी ऑफ टी टी की बात हो रही है यहाँ टी में कौन सा वीट होता है जो इसकी क्वालिटी को खराब कर देता है राइट right आंसर क्या है यहाँ ऑप्शन बी लॉरेंथस लॉरेंथस क्या है आपका लॉरेंथस इज ए सेमी स्टेम पैरासाइट जैसे तीन जैसे चार टाइप के होते हैं आपका टोटल रूट पैरासाइट सेमी रूट पैरासाइट और उसके अलावा स्टेम में आपका टोटल स्टेम पैरासाइट और सेमी स्टेम पैरासाइट तो जो लॉरेंथस है ये है एग्जाम्पल आपका सेमी स्टेम पैरासाइट ट्वेंटी क्वेश्चन इज द सेपरेशन ऑफ डिजीज एनिमल फ्रॉम हेल्दी एनिमल इज नोन एज जो डिजीज एनिमल है उसको वहाँ से सेपरेट कर देने हैं हेल्दी एनिमल से तो इसको क्या कहते हैं कलिंग कहते हैं और मोस्टली ये कहाँ किया जाता है पोल्ट्री के केस में पोल्ट्री में जो डिजीज्ड हैंस होती हैं उनकी कलिंग कर दी जाती है अगला क्वेश्चन है ब्लिटॉक्स फिफ्टी इज अ ट्रेड नेम ऑफ कौन से केमिकल का ट्रेड नेम है ब्लिटॉक्स फिफ्टी राइट आंसर इज ऑप्शन ए कॉपर ऑक्जी क्लोराइड एंड कॉपर ऑक्जी क्लोराइड इज यूज अगेंस्ट फंजय एज वेल एज बैक्टीरिया बाईसवा क्वेश्चन है द बायो ट्राइकोडर्मा इज यूज इन पीजन पी अगेंस्ट द डिजीज कौन सी डिजीज के अगेंस्ट यूज किया जाता है ट्राइकोडर्मा ट्राइकोडर्मा एक बायो है और ये फंगस के अगेंस्ट यूज किया जाता है पिजन पी के केस में बात कर रही है यहाँ तो उसका राइट आंसर क्या होगा फ्यूजेरियम विल्ट अगला क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टोरेज पेस्ट इज नॉट एन इंटरनल फीडर देखो यहाँ पर क्या है जो ये पेस्ट है ये स्टोरेज पेस्ट है बट ये इंटरनल फीडर नहीं है तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन डी खावरा बीटल सो खाफरा बीटल इज एन स्टोरेज बेस्ट विच इज नॉट एन इंटरनल फीडर अगला क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए डे न्यूट्रल वेजिटेबल इनमें से कौन सा डे न्यूट्रल वेजिटेबल नहीं है फोटोपेरियोडिज्म वाला क्वेश्चन है जैसे आपके सॉट डे प्लांट होता है लॉन्ग डे प्लांट होता है और एक न्यूट्रल प्लांट होता है अब यहां पर टोमेटो ओकरा चिली ये तीनों के तीनों क्या है डे न्यूट्रल प्लांट है बट स्वीट पेटोटो इज अ सॉट डे प्लांट यानी कि ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर पच्चीसवा क्वेश्चन ट्री टॉप डिजीज इज अ सिम्टम ऑफ जो ये ट्री टॉप डिजीज़ है ये कौन सी डिजीज़ का सिम्टम है लार्वा के केस में अगर वायरल इन्फेक्शन हो जाता है तो उस केस में ये ट्री टॉप डिजीज सिम्टम आते हैं तो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर चलिए अगला क्वेश्चन एडिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर बल्क डेंसिटी इन सॉइल इसमें क्या चेंज आएगा ये कहा गया है अगर हम सॉइल में ऑर्गेनिक मैटर डाल रहे हैं तो बल्क डेंसिटी में क्या चेंज आएगा यह है इस क्वेश्चन का मतलब अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे अगर आप ऑर्गेनिक मैटर सॉइल में डालेंगे तो जो सॉइल की पोरोसिटी होगी वो बढ़ेगी पोरोसिटी बढ़ेगी यानी कि अब आपको पता होगा बल्क डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है मास ऑफ ओवन ड्राई सॉयल अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉइल और वॉल्यूम ऑफ सॉइल में आपका क्या क्या इंक्लूड है आपका सॉयल सॉलिड इंक्लूड है और आपका वॉल्यूम ऑफ वाटर एंड वॉल्यूम ऑफ एयर अब यहाँ पर यह देखने वाली बात है कि ऑर्गेनिक मैटर डालने से क्या चेंज आएगा चेंज आएगा वॉल्यूम में ठीक है वॉल्यूम जो पोर्स हैं पोर्स के वॉल्यूम क्या हो जाएंगे इंक्रीज़ हो जाएंगे नंबर ऑफ पोर्स इंक्रीज हो जाएंगे जिसकी वजह से बल्क डेंसिटी डिक्रीज़ हो जाएगी यानी कि ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर अगला क्वेश्चन पाइनएप्पल इज अ विच टाइप ऑफ प्लांट C3 है C4 है या कैम प्लांट है राइट आंसर इज ऑप्शन सी कैम प्लांट और इसकी फुल फॉर्म क्या होती है कैसोलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म और ये ऐसे प्लांट होते हैं जो सकुलेंट नेचर के होते हैं सो so, पाइनएप्पल जो है वो एक कैम प्लांट है अगला क्वेश्चन है द मोस्ट सेंसिटिव क्रॉप टू टू फोर डी इज़ कौन सी क्रॉप है जो टू फोर डी के सेंसिटिव है राइट आंसर इज ऑप्शन बी कॉटन तो जो टू फोर डी है ये कॉटन के केस में यूज नहीं करी जाती है क्योंकि कॉटन क्रॉप टू फोर्टी के बहुत सेंसिटिव है अगला क्वेश्चन क्योरिंग इज फॉलोड इन विच टाइप ऑफ टोबैको टोबैको के बहुत सारे टाइप होते हैं कौन से टाइप के टोबैको में क्योरिंग करी जाती है राइट आंसर इज ऑप्शन सी चूइंग टाइप टोबैको अगला क्वेश्चन सिल्फोन चैम्बर इज रिलेटेड विथ ये बताना है कि ये कौन से टूल से रिलेटेड है हाइग्रोमीटर है बैरोमीटर है टेंशियोमीटर है या पायर हेलियोमीटर है अब यहाँ पर इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी बैरोमीटर अगर पर्टिकुलर इसका नाम देखें तो नाम होता है इसका सिल्फोन चैम्बर ए आप देखेंगे सिल्फोन चैम्बर ए कहा जाता है इसको एंड इट इज़ रिलेटेड विथ बैरोमीटर विच इज़ यूज फॉर मेजरमेंट ऑफ एटमोसफियरिक प्रेशर तीसरा क्वेश्चन है चीनोपोडियम एल्बम इज अ पॉल्यूशन इंडिकेटर प्लांट फॉर कौन से गैसेज के लिए या कौन से एलिमेंट्स के लिए चिनोपोडियम एल्बम पॉल्यूशन इंडिकेटर है देखो एच टू एस इसका हो गया और एस ओ टू इन दोनों के लिए ये पॉल्यूशन इंडिकेटर प्लांट है यानी कि ऑप्शन से यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा अगला क्वेश्चन है विच स्टेट बिकम द फर्स्ट स्टेट अंडर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना टू कवर क्रॉप लॉस बाई वाइल्ड एनिमल्स तो यहाँ पर क्या है कि भारत का पहला स्टेट कौन सा है जिसमें प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंदर जो एनिमल के द्वारा लॉस किए जाएंगे इसको भी कवर किया जाएगा जो क्रॉप लॉस होगा एनिमल के द्वारा इसको भी कवर किया जाएगा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंदर तो कौन सा स्टेट है ऑप्शन बी सिक्किम अगला क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज ऑफ कैटल इज नोन एज कैटल प्लेक कौन सी डिजीज़ को कैटल प्लेक कहा जाता है ये आपको बताना है काउपॉक्स है रिंडर पेस्ट है एंथ्रेक्स डिजीज है या फूट एंड माउथ डिजीज है राइट आंसर इज ऑप्शन बी पेस्ट सो so, पेस्ट इज ऑल्सो नोन एज कैटल प्लेक इसके अलावा काउपॉक्स ये एक वायरल डिजीज है रिंडर पेस्ट भी वायरल डिजीज़ है और एंथ्रेक्स डिजीज़ ये है बैक्टीरियल डिजीज़ और इसको कहा जाता है स्प्लेनिक फीवर और अगर क्वेश्चन में अगर ये पूछे रहते कि कौन सी डिजीज़ जूनोटिक डिजीज़ है यानी कि एनिमल से ह्यूमस में फैलती है वो डिजीज़ आपको बतानी पड़ती तो उसका आंसर होता एंथ्रेक्स और जो लास्ट ऑप्शन है एफ ये भी एक वायरल डिजीज है छत्तीसवा क्वेश्चन है पस्मीना इज द फाइनेस्ट नेचुरल फाइबर इज ऑप्टेन फॉर कौन सी ब्रीड से पस्मीना को ऑपटेन किया जाता है पस्मीना एक तरीके का सॉल है इसको बनाया जाता है एक ब्रीड एक पर्टिकुलर ब्रीड है गोट की उसके फर से ये पस्मीना बनाया जाता है राइट आंसर यहाँ पर क्या है ऑल ऑफ दी अबाउ जो चेगू ब्रीड है चंगथांगी ब्रीड है और कश्मीरी ब्रीड है इन ब्रीड से पश्मीना बनाया जाता है अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑयल केक इन एडिशन टू इट्स मैन्योरियल वैल्यू ऑल्सो एक्ट एज नाइट्रिफिकेशन इनहिबिटर तो क्वेश्चन में क्या है एक ऐसा ऑयल केक है जिसकी मैन्योरियल वैल्यू है यानी कि जो एज ए मैन्योअर यूज़ किया जाता है फॉर प्रोवाइडिंग द एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स उसके अलावा ये नाइट्रिफिकेशन इनहिबिटर भी है जो नाइट्रिफिकेशन इनहिबिटर जो नाइट्रोजन का नाइट्रिफिकेशन होता है उसको ये इनिबिटर उसको ये इनहिबिट करता है तो कौन सा ऑयल केक है यह आपको बताना है नीम सो so, नीम इज द ऑयल केक विच इज मैन्य विच हैज मैन्योरियल वैल्यू एज वेल एज इट एक्ट एज ए नाइट्रिफिकेशन इनिवेटर अब इससे क्या फायदा होगा जैसे नीम है नीम की अगर हमने कोटिंग कर दी यूरिया के ग्रेन्यूल्स में और ये काम कैसे करता है नाइट्रिफिकेशन इनिवेटर इसको अगर हम सॉइल में अप्लाई करेंगे तो जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो धीरे धीरे रिलीज करेगा ये नीम कोटेड यूरिया जिससे नाइट्रोजन का लॉस बहुत कम हो जाएगा अगला क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सिंगल केमिकल ज हैविंग ए प्रॉपर्टी ऑफ नेमेटिसाइड हर्बिसाइड एंड फंजिसाइड तीनों तरीके से काम कर सकता है नेमेटिसाइड भी है हर्बिसाइड भी है और फंजीसाइड भी है तो कौन सा है आपको बताना है मेटाक् कैप्टन है, है, है या ऑल ऑफ दाइट आंसर इज ऑप्शन सी मिथम जिसको वपम भी कहा जाता है एंड इट इज अ केमिकल विच हैव द प्रॉपर्टी ऑफ नेमेटिसाइड हर्बिसाइड एंड फंजिसाइड अगला क्वेश्चन है कि कौन से टेस्ट को यूज किया जाता है टू डायग्नोज वायरल डिजीज अगर वायरल डिजीज होगी है तो इसको टेस्ट करने के लिए एलिसा टेस्ट को यूज़ किया जाता है ऊंच टेस्ट इसको यूज किया जाता है बैक्टीरिया के केस में और जो भी हमने बात करी एलिसा इसको यूज़ किया जाता है वायरल डिजीज के, के केस में अगला क्वेश्चन है वैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर लिटिल लिफ डिजीज़ ऑफ ब्रिंजल पहली बात लिटिल लिफ डिजीज किसकी वजह से होती है फाइटो प्लाज्मा की वजह से होती है ये मत सोच लेना कि ये वायरल डिजीज़ है ये फाइटो डिजीज है और इसका जो वैक्टर है वह है लीफ हॉपर ऑप्शन सी देखिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है वट इज़ द स्पेश ऑफ प्लांटिंग ऑफ पूसा नहना पपाया पपाया के केस में जो पूसा नहा इसकी एक वैरायटी है इसमें स्पेसिंग बहुत कम होती है यह आपको बताने की स्पेसिंग क्या है जनरली अगर हम बात करें तो पपाया के केस में स्पेसिंग रखी जाती है टू इंटू टू ठीक बट यहाँ पर जो पूसा नहना वेरायटी है इसके केस में वन पॉइंट टू फाइव इंटू वन पॉइंट टू फाइव स्पेसिंग रखी जाती है और बात करते हैं अदर ऑप्शन की जो टेन इंटू टेन मीटर स्क्वायर यह है मैंगो की स्पेसिंग और मैंगो की एक वैरायटी है आम्रपाली इसकी स्पेसिंग होती है 2.5 पॉइंट फाइव इंटू टू पॉइंट फाइव मीटर स्क्वायर एंड इट इज सुटेबल फॉर हाई डेंसिटी प्लांटिंग अगला क्वेश्चन है स्टोरेज टेम्परेचर फॉर पोटैटो फॉर लॉन्ग टर्म स्टोरेज यहाँ पर आपको किस में फोकस करना है लॉन्ग टर्म स्टोरेज अगर आपको पोटैटो का लॉन्ग टर्म स्टोरेज करना है तो स्टोरेज टेम्परेचर कितना होना चाहिए सेवन पॉइंट टू डिग्री सेंटीग्रेड बट अगर आपको पोटैटो को सीट जो उसके सीट्यूबर हैं उस पर्पज़ से आपको अगर स्टोरेज करना है तो वहां पर टू टू फोर डिग्री सेंटीग्रेड आपको टेम्परेचर रखना पड़ेगा और अदर ऑप्शंस को देखें जो ऑप्शन ए है माइनस वन डिग्री सेंटीग्रेड ये कौन से केस में देखो क्राई प्रिजर्वेशन होता है जिसमें हम लिक्विड नाइट्रोजन यूज करते हैं उस कंडीशन में माइनस वन सेंटीग्रेड टेम्परेचर होता है और अगर हम यूज़ करते हैं सी या ड्राई आइस तब हम टेम्परेचर होता है तब वहाँ टेम्परेचर होता है माइनस डिग्री सेंटीग्रेड अगला क्वेश्चन फूड टेक्नोलॉजी से स्पून और सी टेस्ट इज यूज टू टेस्ट विच न्यूट्रिएंट तो यहाँ पर आपको बताना है कि स्पून या बोल बोलें सी टेस्ट ये कब किसके लिए यूज किया जाता है प्रोटीन के लिए किया जाता है फैट के लिए पैक्टीन के लिए या सुक्रोज के लिए राइट आंसर इज ऑप्शन सी पैक्टिंग के लिए बेसिकली जो स्पून और सी टेस्ट टेस इसमें किया किया जाता है जो स्पून होती है उसको जेल मिक्सचर में डाला जाता है थोड़ा सा स्पून में जो आपका जेल है वो लिया जाता है फिर देखा जाता है वो स्लाइड कैसे कर रहा है उसके अकॉर्डिंग देखा जाता है कि इसका पैक्टिंग कंटेंट ज़्यादा है या कम है अगला क्वेश्चन स्टोमेटल बिहेवियर इज मेजर्ड बाई पोटोमीटर है या पोरोमीटर है फोटोमीटर है या प्लानीमीटर है राइट आंसर इज ऑप्शन बी पोरोमीटर अब दो चीज़ें हैं पोटोमीटर एक पोरोमीटर पोटोमीटर को तो यूज़ किया जा जाता है ट्रांसपरेशन बिहेवियर को मेजर करने के लिए जो ट्रांसपेरेशन हो रहा है उसके बिहेवियर को मेजर करने के लिए पोटोमीटर का यूज़ किया जाता है और पोरोमीटर को यूज किया कब किया जाता है स्टोमेटल बिहेवियर को नापने के लिए इसके अलावा जो ऑप्शन डी है प्लानीमीटर इट इज़ यूज फॉर द मेजरमेंट ऑफ लीफ एरिया अगर आपको लीफ एरिया निकालना है तो प्लानीमीटर यूज किया जाता है अगला क्वेश्चन है द केमिकल यूज टू अरेस्ट द जर्मिनेशन ऑफ बंच टाइप ऑफ ग्राउंड नट इन द फील्ड इट सेल्फ बिफोर द हार्वेस्ट तो क्वेश्चन में क्या है कि हमको जो ग्राउंड ग्राउंडनट है उसके सीड का जर्मिनेशन को रोकना है जब हार्वेस्टिंग होती है उसके बाद सन ड्राइंग के लिए रखा जाता है तो उस टाइम पे कौन सा केमिकल यूज किया जाता है राइट आंसर इज ऑप्शन बी मेलिक हाइड्रोजाइड इसके अलावा यहां पर क्वेश्चन है कि कौन से केमिकल को यूज किया जाता है टू ब्रेक द डॉर्मेंसी इन स्प्रेडिंग टाइप ऑफ ग्राउंड नट यहां पर बात हो रही है डॉरमेंसी ब्रेकिंग की तो कौन सा केमिकल यूज किया जाएगा जिबरलिक एसिड नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रोसेस इन विच सुगर दैट इज कार्बोहाइड्रेट रेस टू हाई कंसेंट्रेशन इन फ्लोएम सेल क्लोज टू द सुक्रोस क्लोज टू दोर्स इज नोन एज इसका राइट right आंसर है ऑप्शन बी फ्लोएम लोडिंग सो इन फ्लोएम सुगर आर रेस टू हाई कंसेंट्रेशन इन फ्लोएम सेल क्लोज टू द सोर्स अगला क्वेश्चन है विच प्रोसेस इज ऑल्सो नोन एज ग्लाइकोलेट पाथवे कौन सी प्रोसेस को कहा जाता है फोटो रेस्परेशन को कहा जाता है ग्लाइकोलेट पाथवे इसमें क्या होता है फोटो रेस्परेशन होता है फोटो रेस्पेशन इज एनर्जी कंज्यूमिंग प्रोसेस और इसमें ना कोई आपकी एटीपी बनती है और ना आपका कोई कार्बोहाइड्रेट बनता है ये बहुत ही वेस्टफुल प्रोसेस है और जो सी फोर प्लांट हैं सी फोर प्लांट्स में फोटो रेस्परेशन नहीं होता है तो ये फैक्ट आपको याद रखना है अगला क्वेश्चन अंडर एरोबिक कंडीशन माइक्रोब्स गो स्लोअर बट यूज मोर सुगर एंड प्रोड्यूसेज मोर सियो टू एंड इथेनॉल दिस फिनोमना इज नोन एज इस फिनोमना को हम क्या कहते हैं राइट आंसर इज ऑप्शन बी पॉस्चर इफेक्ट क्वेश्चन नंबर फोर्टी सेवन आई सी आर अवॉर्ड से रिलेटेड है चौधरी देवी लाल अवार्ड गिवन टू किसको दिया जाता है ये बेस्ट ए आई सी आर पी अगर आपको जानना है कि कौन कौन से अवार्ड्स होते हैं एग्रीकल्चर से रिलेटेड तो उस पर हमने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाई है वहाँ जाकर आप देख सकते हैं कि कौन कौन से अवार्ड दिए जाते हैं एग्रीकल्चर सेक्टर में अगला क्वेश्चन हु वॉज द फर्स्ट डायरेक्टर ऑफ आई ए आर आई आई ए आर आई के पहले डायरेक्टर कौन थे डॉक्टर विश्वनाथ और आईसीआर के केस में देखो दो हैं एक है डीजी और एक है प्रेसिडेंट डीजी थे हमारे डॉक्टर बीपी पाल और प्रेसिडेंट थे हबीबुल्ला अगला क्वेश्चन है हु इज नोन एज द फादर ऑफ बीटी कॉटन इन इंडिया बीटी कॉटन के फादर किसको कहा जाता है राइट आंसर इज ऑप्शन सी सी डी मई अदर ऑप्शन को डिस्कस कर लेते हैं जो आपके इंगो पोट्रिक्स हैं ये हैं फादर ऑफ गोल्डन राइस जीएस खुश को कहा जाता है फादर ऑफ सुपर राइस युवांग लॉन्गपिंग इनको कहा जाता है फादर ऑफ हाइब्रिड राइस और एस नागराजन ये हैं सुपर वीट के फादर और सीडी मई जिसकी हम बात कर रहे थे अभी बीटी कॉटन के फादर हैं और आशीस दत्ता ही इज द फादर ऑफ प्रोटेटो प्रोटेटो क्या है प्रोटीन रिच प्रोटैटो चलिए अब है लास्ट क्वेश्चन डिमांड फॉर एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स इज रिलेटिवली आपको इलास्टिसिटी बतानी है यहां कि जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैं इनकी इलास्टिसिटी कैसी होती है डिमांड के लिए तो ऑप्शन दे रखें लेस इलास्टिक मोर इलास्टिक मोर इन इलास्टिक या लेस इन इलास्टिक तो यहां पर इसका राइट right आंसर होगा मोर इन इलास्टिक क्यों होगा क्योंकि जो एग्रीकल्चर क्योंकि जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैं ये नेसेसिटी वाली चीज़ें हैं और इनमें जो चेंजेस आएगा प्राइस में चेंज होने से जो डिमांड में चेंज आएगा बहुत ही कम होगा इसलिए ये क्या होगा मोर इन इलास्टिक तो दोस्तों ये 50 क्वेश्चंस थे आई होप ये आपको हेल्प करेंगे और इसके अलावा अगर आपको कोई फीडबैक देना है आज की वीडियो के रिगार्डिंग आप दे सकते हैं हमारे कमेंट सेक्शन में और अगर आपको कोई सेपरेट मॉक टेस्ट सीरीज चाहिए तो वो भी आप बता सकते हैं हमारे कमेंट सेक्शन में तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही मिलता आपसे नेक्स्ट टाइम टिल देन टाटा बाय बाय एंड टेक केयर